हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीता एफएम में। एक नई स्टोरी के साथ आ गए हैं। ये मेरी खुद के लिखी स्टोरी है। अगर आप इसे आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीतिलिपि पे जाके पढ़ सकते हैं। यू आर माई सनशाइन। इंदौर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इंदौर के 32,76,000 की आबादी के साथ भारत के मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों में से एक है। ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है। ये भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। इंदौर के एक छोटे से कॉलोनी में एक बहुत खूबसूरत घर था, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस 2 मंजिला का था। बाहर से बहुत खूबसूरत और अंदर से भी उतना ही खूबसूरत। नीचे 2 रूम, 1 किचन, 1 पूजा घर, 1 बीच में छोटा सा हॉल जिसमें सोफा रखा था। लेफ्ट साइड डाइनिंग एरिया, राइट साइड में सीढ़ी, ऊपर 2 रूम है और सारे रूम में अटैच बाथरूम है। अरे आलसी लड़की, उठो, रोज का यही धंधा है, जल्दी उठो, समझी नहीं तो आज पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, समझी? शांति जी ने लगभग दरवाजा पीटते हुए कहा। सामने कमरे में खिड़की से आ रही सूरज की किरण सामने बिस्तर पर सो रही लड़की को उस औरत से बचाने के लिए उठाने का काम कर रहा था, लेकिन लड़की ने अपने पूरे चेहरे को चादर से ढक लिया और सो गई। लेकिन मजाल है, नींद से जागी हो। बाहर से फिर से आवाज आई, उठ जा, सुबह के 7 बज गए हैं, नाश्ता कौन बनाएगा? अगर 1 सेकंड में नहीं उठी ना तो तुझे आज पूजा नहीं करने दूंगी, समझी? शांति ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। बस इतना कहने की देरी थी, सामने का दरवाजा झट से खुल गया। सामने एक प्यारी सी लड़की अपने चेहरे से प्यारी मुस्कान लिए खड़ी थी। उसकी नीली आंखें एकटक शांति जी को देख रही थी। शांति जी, उठ गई महारानी? लड़की ने अपना सिर झुका लिया और मासूमियत से सिर हाँ में हिलाने लगी। ये देख शांति गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है, समय से उठाकर समझ नहीं आता क्या? घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? हाँ बोल। लड़की ने बिना सिर उठाए कहा, मैं करूँगी मामी। शांति ने घर के घूर के लड़की को देखा, फिर जाते हुए बोली, जल्दी 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ, नहीं तो पूजा घर में घुसने नहीं दूंगी, समझी? और बुदबुदाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। पता नहीं कब अकल आएगी लड़की को, रोज एक ही धंधा है। मन तो करता है घर से निकाल दो, लेकिन मजबूरी है, नहीं निकाल सकती हूँ, कहते कहते नीचे उतर रही थी। शांति बुदबुदाते हुए नीचे चली गई। वहीं हॉल में पेपर पढ़ रहे राजेश जी शांति की तरफ देख के कहते हैं, क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो? शांति जी कहती है, गुस्सा ना हो तो और क्या हो, वो महारानी की तरफ मेरी है घर पे, मैं कह रही हूँ किसी को ढूंढ के शादी कर दो रिद्धि की, समझे, वरना ऐसे ही गली पड़ी रहेगी। राजेश जी पेपर सामने टेबल पे रखते हुए और बोले, लड़का भी तो ढंग का मिलना चाहिए, अगर ऐसे ही किसी से करवा देंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा और हम कुछ नहीं मिलेगा, समझी? शांति जी कहती हैं, तो क्या उसकी शादी नहीं करवाएंगे? राजेश जी बोले, ऐसा नहीं है, अगर कोई सामने से उसे शादी करने आएगा तो हम उसे शर्त रखेंगे कि उसकी शादी में हम कुछ नहीं देंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी पे दोनों में से किसी का भी हक नहीं होगा। ये सुन के शांति जी खुश होती हुई बोली, अरे वाह, आप तो बहुत अकलमंद हैं, मुझे तो लगा था इस घर में सिर्फ मेरे पास ही दिमाग है। राजेश जी ने घूर के शांति को देखा। इधर रिद्धि सुबक कर सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो दरवाजे बंद करके अंदर चली गई। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो बाथरूम भाग गई, अंदर से बंद कर ली। लगभग आधे घंटे बाद वो रेडी होके नीचे आई और सीधा पूजा घर में चली गई। ये थी हमारी हीरोइन रिद्धि अरोरा। रिद्धि बहुत ही मासूम और बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी नीली आंखें थी, लंबे बाल जो किसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते थे। ये अपने मामा मामी और अपनी एक बहन के साथ रहती थी। इसके मामा मामी रिद्धि को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उन्हें अपने सिर की बोझ जो लगती थी। बस रिद्धि को रखा था तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए,
क्योंकि रिद्धि के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जिसके शादी होने पे उसका नाम हो जाएगा। लेकिन मामा मामी चाहते थे वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो, इसलिए रिद्धि के एक बार शादी भी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो टूट गई। और उन दोनों की बेटी निशा, जो कि रिद्धि को बहुत प्यार करती है, वो अपनी जान से ज़्यादा रिद्धि को मानती है। ऐसा पहले नहीं था, बल्कि 2 साल पहले हुआ था। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया, रिद्धि की ज़िंदगी बदल गई। वो चुप चुप रहने लगी। निशा, जो कि उससे नफरत करती थी, वो भी उसके लिए साइड लेने लगी और उसे बहुत पसंद करने लगी। वो अपनी 2 साल पहले हुई एक गलती की वजह से बहुत ही शर्मिंदा थी, जिसकी वजह से वो रिद्धि को और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। और रिद्धि पूरे घर का काम करती थी, क्योंकि उसका कॉलेज ख़त्म हो चुका था। अब वो एक जॉब की तलाश में थी, लेकिन उसकी मामी उसे जॉब करने नहीं देना चाहती थी। अगर वो जॉब करने गई तो घर का काम कौन करेगा, यही सोच के वो हमेशा उसे मना करती थी। लेकिन रिद्धि तो रिद्धि थी, भले ही वो शांत थी, लेकिन जो करना चाहती थी वो करके रहती थी। तो क्या आगे सच में रिद्धि कभी जॉब कर पाएगी, और हमारे हीरो कौन और कैसे होने वाले हैं, ये जानने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें। क्या आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी, और आप प्रीतिलिपि में भी जाके मेरी कहानी सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले नए पार्ट में, और उस पार्ट में बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।